हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे इस इंडिकेटर के बारे में, वर्जन 20। तो यहाँ देख सकते हैं आप, वर्जन 20 लिखा हुआ है। तो इस इंडिकेटर की आज हम बात करेंगे, ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से में आपको एंट्री लेनी है। वीडियो आपको देख सकते हैं, वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी इधर, बैक टेस्टिंग वीडियो। तो आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से इंडिकेटर काम करता है। तो कुछ इमेजेस हमने यहाँ पे अपलोड की हुई है, तो देख सकते हैं आपको किस जगह आपको बाय लेना है, किस जगह आपको सेल लेना है। तो और देख सकते हैं, और कुछ इमेजेस हम दिखा सकते हैं आपको, कुछ इस तरीके से कुछ इमेजेस हैं। तो एक वेबसाइट आपको यहाँ मिलेगी जो USD में इसका प्राइस है 399 का USD प्राइस है इसका। अगर आप इंडिया से हो तो आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो। लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये भी इंडिकेटर वही है, आप जैसे पेमेंट करते हो उसके बाद आपको डायरेक्टली डाउनलोड का लिंक आपको जनरेट हो जाएगा पेमेंट करने के तुरंत बाद। तो देख सकते हैं इंडिकेटर किस तरीके से दिख रहा है, सेम इंडिकेटर है, वही इंडिकेटर है जो मैंने वहाँ पिक्चर दिखा रखी है, सेम है। तो आप लाइव चार्ट पे देखते हैं किस तरीके से दिखाई देता है और इसमें एंट्री किस तरीके से लेनी है। तो टर्मिनल ओपन हो चुका है, तो इसमें देखिए अब एंट्री आपको किस किस जगह पर किस तरीके से लेनी है, वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि आपको किस किस जगह पे एंट्री लेनी है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की लाइंस देखने को मिलती हैं जो मार्केट बाय के लिए बोलता है, यानी कि मार्केट क्या है अभी अप ट्रेंड में। जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आपको सिर्फ बाय की ही एंट्री लेनी है, सेल की एंट्री आपको नहीं लेनी उस जगह पे। देखिए सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे एक एरो दिया, मार्केट यहाँ से इतना ऊपर गया, फिर मार्केट फ्लैट हो गया, मार्केट में मूवमेंट नहीं रही, फिर भी मार्केट क्या दे रहा है, बाय की एंट्री दे रहा है। आपको सेल की एंट्री मार्केट ने नहीं दी इस जगह पे, क्योंकि मार्केट अभी भी ट्रेंड क्या है, बाय का है। फिर मार्केट ने एक बार बाय दिया, आपका फिर गया। टाइम फ्रेम बता देता हूँ, गोल्ड का चार्ट है, टाइम फ्रेम M15 है, तो टाइम फ्रेम जरूर देख लेना। टाइम फ्रेम मैंने बता दिया कि कौन से टाइम फ्रेम पर आप इसको यूज कर सकते हो, कौन से पे नहीं कर सकते। बड़े बड़े टाइम फ्रेम पर आप इसका यूज मत करना, जैसे D1 हो गया, H4 हो गया, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मूवमेंट हो जाएगी। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे इसका आसानी से यूज कर सकते हो, M5, M1, M30, H1 पे भी आज इस यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि एक रेड कलर का एरो आता है, आपको यहाँ पे सेल की एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि आपको पता है मार्केट क्या है, अभी बाय ट्रेंड पे है। तो आप किसी भी एरो पे अगर आप एंट्री लेते हो स्मॉल लॉट, अगर आपकी ट्रेड फंस जाती है तो आपको घबराना नहीं है इस जगह पे, क्योंकि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आप बाय की एंट्री लोगे तो नहीं फंसोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझ लो जी, आपने यहाँ पे एंट्री ली इस एरो पे, मार्केट यहाँ से हल्का सा नीचे आया, तो कई लोगों से घबरा जाते हैं और क्लोज करते हैं ट्रेड को। तो आपको यहाँ पे ट्रेड क्लोज नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा वेट करना, मार्केट ओवरऑल बाय जाएगा। आप किसी भी एरो पे देख लेना, आप जिस भी एरो पे बाय लेते हो, मान लो आपने इस एरो बाय लिया, ट्रेड आपकी इस जगह प्लेस थी, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया 0.01 0.02 की लॉट साइज हो आपकी, तो ज़्यादा ज़्यादा $10 या $5 $6 लॉस जाएगा, ज़्यादा लॉस नहीं जाएगा। तो आप होल्ड रखते हो, मार्केट देखिए दोबारा आपको बाय की अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप ट्रेड एक और प्लेस कर देते हो इस एरिया पे, तो मार्केट देखिए आपको प्रॉफिट में गया। तो मार्केट ने क्या किया, ओवरऑल आपको क्या दिया, प्रॉफिट। जब भी आप ट्रेड लेते हो, किसी भी एरो पे आप ट्रेड लो, आपको ओवरऑल प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कब, जब ये ग्रीन लाइन और ग्रीन एरो साथ में होंगे, जब दोनों साथ में होंगे तब आपको सिर्फ बाय लेना है। तो अब मैं टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करता हूँ, जैसे डायरेक्टली हम H1 पे जाते हैं, तो देखते हैं कि H1 पे क्या मूवमेंट देखने को मिलती है हमें। तो देख सकते हैं H1 पे मार्केट, पहले से मैंने बता रखा मार्केट बाय ट्रेंड में, तो आपको सिर्फ बाय की एंट्री लेनी। जैसे एक एंट्री आपको देख सकते हैं, बहुत प्यारी प्यारी एंट्री देखने को मिलती है सभी जगह पे, बाय की एंट्री, सब अच्छी एंट्री है, सभी अच्छी एंट्री देखने को मिलती है आपको यहाँ पे। और सभी कब मिलती है, लोअर हायर लो पे, जैसे कि मार्केट एक बार इस तरीके से जाता है मार्केट, तो आपको सब जगह एंट्री इस एरिया पे देखने को मिल रही है कि मार्केट आपको बाय के लिए बोल रहा है। तो ये इंडिकेटर इस तरीके से काम करता है कि आप ग्रीन लाइन और ग्रीन एरो बने तो आप सिर्फ बाय की एंट्री लोगे यहाँ से, और इसकी सेल की एंट्री के लिए कंडीशन अलग है। जब यहाँ पर रेड बनेगा, जैसे इस तरीके से रेड है और रेड कलर का एरो हो, तब आप इसमें सेल लोगे, बाय नहीं लोगे। इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी 90 to 95+ चली जाएगी अगर कोई अच्छे से इसे यूज करना सीख जाए, जिसको थोड़ा टेक्निकल आए और वो इंडिकेटर का यूज करे तो बहुत अच्छे से इंडिकेटर का यूज कर सकता है। अब एक बार देखते हैं कि सेल की एंट्री किस तरीके से मिलेगी। तो
यहाँ पे चार्ट में देखते हैं हम सेल की एंट्री किस तरीके से मिल रही है। जैसे कि आपको मैंने बता रखा बाई की एंट्री, तो सेम कंडीशन आपको सेल की एंट्री मिलेगा। रेड एरो, रेड लाइन, आपको क्या मिल रहा है? सेल। मार्केट यहाँ तक आया, फिर सेल मिलता है आपको, फिर सेल मिलता है, सेल मिलता है। तो इस एरिया में जब तक ये रेड कलर की लाइन है, इस बीच में आपको ग्रीन एरो सिमिलर है, कभी कुछ परसेंट में होगा, कभी देखने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो आपको सारी रेड कलर के एरो मिलेंगे तो सब आपको सेल की अपॉर्चुनिटी देंगे, मार्केट यहाँ से सेल जाएगा, तो आप सेल के लिए वेट करें। जैसे मार्केट थोड़ा सा अप जाता है, फिर मार्केट सेल आएगा, फिर अप जाएगा, फिर सेल आएगा, फिर अप जाएगा, फिर सेल आएगा। इस तरीके से मार्केट आपको सेल की एंट्री देता है। वही सेम कंडीशन पीछे थी, जो ऐसे मैंने बताया बाय के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ भी देख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मार्केट बाय गया था, फिर मार्केट ने बाय की अपॉर्चुनिटी दी, फिर मार्केट ने क्या ट्रेंड अपना चेंज कर दिया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ ट्रेंड चेंज किया, आपने मार्केट ने यहाँ पे दो एरो दे दिए कि मार्केट अब यहाँ से सेल जाएगा। मार्केट सेल जाएगा, मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया, यानी कि लाइन को भी ब्रेक करके नीचे ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से इंडिकेटर काम करता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।